नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। वक्त हो गया है टॉप 20 खबरों की ओर रुख करने का, तो शुरू करते हैं टॉप 20 खबरों का सिलसिला। महाराष्ट्र चुनाव के लिए कांग्रेस की दूसरी लिस्ट जारी, 23 उम्मीदवारों के नाम शामिल। दिल्ली बीजेपी चीफ की तबीयत बिगड़ी, सांस लेने में तकलीफ होने पर RML में हुए भर्ती। महाराष्ट्र चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी की 40 प्रचारकों की नई लिस्ट। इसराइल के मिसाइल अटैक में मारे गए ईरान के 2 सैनिक। सीएम योगी आदित्यनाथ महाराष्ट्र में 8 राज्यों में करेंगे चुनाव प्रचार। सपा ने विधानसभा चुनाव के लिए जारी की प्रचार स्टारकों की सूची, अखिलेश आजम समेत 19 नाम शामिल। गाजियाबाद उपचुनाव में भाजपा का किला मजबूत, सपा बसपा ने जाते कार्ड से बढ़ाई चुनौती। बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल को मारने की कोशिश की, भड़के संजय सिंह। दिल्ली पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई और काला जाठेड़ी गैंग के सदस्य को किया गिरफ्तार। छठ पूजा से पहले और बुरा हुआ यमुना का हाल। लखनऊ में बीजेपी ऑफिस के बाहर लगा मंत्री संजय निषाद की होल्डिंग पर लिखा 27 के खेवन हार। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में प्राइवेट बस में आग लगने से एक यात्री की हुई मौत। सेबी ने नियम उल्लंघन के लिए एडवाइजर और CEO राधिका पर लगाया 16 लाख का जुर्माना। कॉन्सर्ट से पहले दिल्ली के बंगला साहिब में दिलजीत जोसा ने टेका मारा। राजस्थान के अलवर में शाहरुख ने सुमित बन की नाबालिग हिंदू लड़की से जबरन शादी, हुई उम्र कैद। अंतरिक्ष से 8 महीने बाद लौटे यात्री की बिगड़ी तबीयत, अस्पताल में कराया गया भर्ती। इंदौर में हैलोवीन पार्टी के बाद कांग्रेस ने MP के कॉलेज में किया हनुमान चालीसा का पाठ। अमेरिका बोला ईरान पर इसराइल के हमले में हम नहीं है शामिल। पूर्व पाकिस्तानी मंत्री इमरान खान की बहनों को मिली जमानत। दिल्ली में दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट को लेकर जारी की गई एडवाइजरी। टॉप 20 खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के साथ आप जुड़े रहने के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।